कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए नगर निगम प्रशासन द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर सहित 70 वार्डों में सैनिटाइजेशन अभियान चलाया गया, जिसके संबंध में नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर बहुत ही खतरनाक है, जिसके संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए सैनिटाइजेशन बहुत महत्वपूर्ण हथियार है, जिसको देखते हुए नगर निगम महानगर के 70 वार्डों में अभियान चलाकर युद्ध स्तर पर सैनिटाइजेशन करवा रहा है। उन्होंने कहा कि सैनिटाइजेशन के लिए 30 बड़ी गाड़ियों को लगाया गया है तथा एक सप्ताह के अंदर इसको बढ़ाकर 70 गाड़ियां कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि साथ ही नगर निगम कर्मचारी अपनी पीठ पर सैनिटाइजेशन टैंक लादकर गली गली तथा घर घर जाकर सैनिटाइज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बड़ी गाड़ियों से मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल, महिला जिला अस्पताल, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड सहित महानगर के सभी हिस्सों में सैनिटाइजेशन करवाया जा रहा है। नगर आयुक्त ने कहा कि नगर निगम का प्रयास है कि सैनिटाइजेशन के द्वारा कोरोना की चेन को तोड़ा जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा, देखिए आपके संज्ञान में है कि जो कोरोना की जो दूसरी लहर आई हुई है ये बहुत ही खतरनाक है और इसके संक्रमण की जो दर है वो बहुत ही तेज है और इस संक्रमण की चेन को रोकने के लिए सैनिटाइजेशन सबसे महत्वपूर्ण हथियार है और इसीलिए नगर निगम पूरे शहरी क्षेत्र में 17 वार्ड में लगातार व्यापक तौर पर सैनिटाइज कर रहा है। इस वक्त हम लोगों ने 30 बड़ी वाली चारपहिया वाहन लगा रखे हैं और अगले 2-3 दिन के अंदर हम इसको 70 तक ले जाएंगे और इसके साथ साथ हमारे जो वर्कर्स हैं उनकी बड़ी बहुत बड़ी टीम हमने लगाई है, जो अपने कंधों पर जो स्प्रे करने वाली मशीन है उसको टांग कर डोर टू डोर, हाउस टू हाउस जाकर वो उसको सैनिटाइज कर रहे हैं और जो हमारी बड़ी वाली गाड़ियाँ हैं, जेटिंग मशीन हैं या जो ट्रैक्टर ट्रॉली माउंटेड हमारे पंप हैं जो मैजिक पे लगे हुए हैं, फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ हमारी हैं, उन सबको लेकर हम लोग जो हैं बड़े बड़े जैसे इंस्टीट्यूट हैं, जैसे कि मेडिकल कॉलेज है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, महिला अस्पताल है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है आदि सब तमाम जगह, पुलिस लाइन में हम लोग इस जगह पे खुद मैं जाता हूँ, हम लोग अपनी पूरी टीम को लेकर जा रहे हैं और वहाँ पर व्यापक पैमाने पर हम उसको सैनिटाइज कर रहे हैं। उद्देश्य सिर्फ इसका यही है किसी भी प्रकार से हम जो कोरोना की जो संक्रमण की चेन है इसको तोड़ सकें और अपने आवाम को, अपने जो हमारे गोरखपुर वासी हैं उनकी ज़िंदगी को सेव किया जा सके, उनको संक्रमित होने से बचाया जा सके। इधर भी देख सकते हैं कि पूरे पूरे जनपद में जहाँ हम करवा रहे हैं सैनिटाइजेशन कार्रवाई चल रही है और यहाँ जहाँ पे हम लोग इस वक्त जो राजघाट अंतर्राष्ट्रीय स्थल पर खड़े हैं वहाँ पर भी आप लोग डेली प्रयास कर रहे हैं सुबह शाम जो है सैनिटाइज होता रहे, जिसमें किसी प्रकार की जो यहाँ आने वाले लोग हैं वो संक्रमित ना हो।